शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरे 29 साल में मुझे फर्स्ट टाइम कहीं पे क्रोध आ गया और वो ऐसे चलाया गया टेलीविजन में जैसे कि पता नहीं मैंने क्या गुनाह कर दिया। वो हमने सुना था 29 years, 29 साल में मशहूर, मतलब कि कभी मैंने किसी के साथ हाथ नहीं उठाया, कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी के खिलाफ नहीं कहा, धन्यवाद ही देता रहा। बल्कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि ज्यादा प्रणाम प्रणाम करता रहता है बदमाशी। जो गाली वाली देखते हैं ना लोग कहते हैं भाई भाई करेक्ट है, गुड पर्सन है, ये सब मुंह पे कह देता है सच में। जो हाथ जोड़ा हुआ होता है वो लगता है ना कहीं तो इसके दिल में कहीं है। वो लोग ये नहीं अप्रिशिएट करते कि साला इसकी संस्कृति घर परिवार की इस तरह की है। मेरी मम्मी साध्वी थी, अब वो साध्वी घर परिवार से निकल के जो आया हुआ हो वो तो मंत्र ही पड़ेगा, वो यही सब कहेगा। मुझे हमको तो दारू पीने के लिए जमाने लग गए यार। मैं जिस वक्त 33 years old हुआ तो मैं मुझे गई डिस्को में ले गए इन लोग, तो उस तो पहले मैं डिस्को नहीं गया, कैन यू बिलीव इट। और मेरी जितनी फिल्में हैं वो सब उसके म्यूजिक डिस्को इसको मैं बजा करता उस जमाने में। तो मैं उस वक्त गया तो मैंने मम्मी से फ़ोन लगाया कि मम्मी मैं बियर पीना चाहता हूँ। क्या बियर पीना चाहता हूँ? फोन किया आपने? मैंने फोन किया उन्हें, तो मम्मी ने कहा अच्छा, प्रवचन दिया गया मुझे कि ऐसा क्या नशा करना जो आप करें और सुबह उतर जाए। क्या बात है! फिर आपने बाद में पी बियर की? बियर पी के नहीं, ये है सवाल। 37 साल में मैंने भी पहली बार सर वाइन पी थी, और वो भी हवाई जहाज में, कपिल देव साहब ने पिलाई थी कि ये रेड वाइन है, ये सेहत के लिए बड़ी अच्छी है। अरे शहरी ये पीला रंग लाल हो जाए, और गटक नहीं है ये, ऐसे नहीं है सिप सुप लेने, कौड़ी है। मैं कौड़ी है पाजी, मिठी है क्या कौड़ी है? मैं खटाक करके मारा है। सामने कपिल पाजी खड़े, सामने क्या दिख रहा है? मैं कहा दो कपिल देव दिख रहे। तो आपने इतनी सी पी थी ना? अगर आपने थोड़ी और पी होती तो पाजी ने कहा उठो भाई जहाज मैं चलाऊंगा, आज तेरा भाई उड़ाएगा जहाज। अरे सर, जैसे आप कोई, जैसे हसीना मान जाएगी मैं, आप अपने एक चाचा का किरदार करते हैं, वो बड़ा मजेदार सा, तेरे को पकड़ देंगे, तो ये आप ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास यार दोस्त सोसाइटी में से, कैसे करते हैं सर ये? ये रियल लाइफ से मिले हुए जितने करेक्टर्स हैं मैंने फिल्मों में किए। अब ये जो करेक्टर जो है मैंने उसे अमृतसर में देखा था, और वो उनका नाम ही हमने सड़ा टाइप का रख दिया था, बहुत ही सड़े हुए रहा करते उस जमाने में वो। तो आप मुझे पूछो ना कैसे कैसे हो। और भाई साहब कैसे हैं? कैसे आज पूछने लगे कैसे, इससे पहले याद नहीं है कैसे? मेरे को पता नहीं थी, कोई पूछता नहीं थी, आज पैसे आ गए तो कैसे? पाजी कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और अब मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूं जिनका हाथ हमारे हीरो नंबर वन की कामयाबी के पीछे है। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सुनीता जी का। सुनीता मैम, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। और आपके आने से पहले हम अपने आपके मियाँ जी के साथ काफी मस्ती मजाक कर रहे थे जी। अच्छा, ये घर में जैसे हम लोग, मैं जितना गोविंदा सर को जानता हूँ पर्सनल तौर पे, कि ये बहुत ही भगवान का नाम लेने वाले पर ये घर में भी ऐसे ही है, मतलब क्योंकि पूरी दुनिया को इन्होंने एंटरटेन किया है, पर घर में ऐसे चुपचाप ही रहते हैं ज्यादातर। घर में मैं इनको एंटरटेन करती हूँ। मैम, हमने गोविंदा सर को ज्यादातर देखा फिल्मों में, हीरोइन को कभी सीधे तरीके से फूल दिया ही नहीं, छेड़छाड़ के घुमा फिर आके, तो ये मतलब आप तो, क्योंकि आप इनके बेटर हाफ हैं, आप ज्यादा जानती हैं, ये मतलब इसकी इन्होंने ट्रेनिंग वगैरह ली है, इनबिल्ट है इनमें? नहीं, जो हमारा अफेयर था तो मैंने ही सिखाया इनको। तो मतलब ये आपने सिखाया है? हाँ जी। तो फिर आप पे इस्तेमाल कैसे किया, मतलब आपको इंप्रेस कैसे किया था इन्होंने? तो मैंने इनका हाथ पकड़ा। ये तो बहुत सीधे थे पाजी, मतलब हीरो नंबर वन, कुली नंबर वन फिल्मों में, रियल लाइफ आप देख लेना, मेरी बोलती बंद हो गई।
पर नहीं मैम हमें एक्चुअली बहुत कमाल का वाकया आई वुड लाइक टू से मैं शूटिंग कर रहा था जी तो खुशबू के साथ मेरा फिल्म सीन शूट हो रहा था वो मेरी पहली फिल्म की हीरोइन थी तो मुझे पत्रकार और जितने फोटोग्राफर्स आए हुए थे वो कह रहे थे अरे ये ठीक से पकड़ो ना क्या कभी हीरोइन को हाथ नहीं लगाया तो मेरे मुँह से निकल गया नहीं तो सरोज जी ने मुझसे पूछा गोविंदा तेरा कभी अफेयर नहीं हुआ कभी किसी के साथ अच्छा मेरा जी मैं कभी नहीं टच तो किया होगा कभी किसी को टच तो किया है क्या मेरा जी नहीं मैं कभी बिना फेयर के आदमी टच कैसे करेगा ये तो कॉमन सेंस की बात है अच्छा तो फिर तो खैर तो मुझे कहा कि अच्छा इसे ये भी नहीं पता है कि कैसे हीरोइन के साथ में अभी कैसे करें ये सीन तो आज तो शूट ही नहीं हो सकता तो उस दिन शूटिंग ही नहीं हुई मुहूर्त से वापस आ रहे थे मेरे जिया जी का मुहूर्त था राइट उनकी फिल्म का था बीच में मेरा भाई बैठा था और ये एक तरफ थे और मैं एक तरफ तो इन्होंने हाथ ऐसे रखा था तो मैंने बोला अब हाथ रखा है तो मैं भी ज़रा हाथ बढ़ा ही लूँ तो मैंने इनकी ऐसे करके हाथ छू ली तो इनको तो डर लग रहा था छूने तो मैंने बोला पकड़ ही लो अब जो छुआ है तो वो जो हाथ पकड़ लिया उसके बाद में फिर हाथ हाथ में ही रह गया आज 29-30 साल हो गए तो मतलब हीरो वाले काम ज्यादा भाभी ने किए हीरो है ये हम लोग के घर परिवार के धर्मेंद्र है तो मतलब मैम आपको इंप्रेस करने के लिए इनकी तरफ से कुछ ज्यादा एफर्ट हुए नहीं बेचने के लिए हर चीज मुझे ही करना पड़ा तो मतलब ये बिल्कुल चुपचाप ही थे सीधे है ना दिखता उठता नहीं नहीं मेरे साथ तो ऐसे ही है पता नहीं भी बाकी आपको पता है पाजी सुनीता मैम और गोविंदा सर की जब शादी हुई ना पहले 4 साल किसी को बताया नहीं इन्होंने उस समय में ये लोग कहा करते थे कि आपके मतलब पता लग गया कि भैया आपकी शादी हो गई है तो आपकी फैन फॉलोइंग जो है वो तो चली जाएगी और उस वक्त वर्क जो है हम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता था जी कि भैया काम मिला है इतने साल बाद तो लोगों को पता नहीं है कि गोविंदा इज ऑलरेडी मैरिड आप बीवी हैं लोगों को ये भी नहीं पता लोगों को लगा कि अच्छा कोई वैसे शूटिंग देखने आया तो जब इनकी फीमेल फैंस जो थी इन पे गिर गिर के हाय फोटो तो आपका रिएक्शन क्या होता था उस समय अभी हीरो है ना तो 2-4 लड़के नहीं ना गिरे तो क्या फायदा हीरो ने 2-4 अफेयर ना किए तो क्या फायदा तब जाके तो हीरो हीरो लगता है टाइमिंग वैसी ही है जैसी गोविंदा की वाइफ की होनी चाहिए ठीक है सुपर डिजर्विंग सर ये टाइमिंग कहीं यहीं से तो नहीं आती आपकी वाकई बड़े बड़े लोग चुप हो जाते हैं आज खुद चुप बैठे हुए आपको सुनीता मैम की कौन सी वो चीज थी जिसने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया कि खाली आपने देखा खूबसूरत हैं मेरा प्रेम बहुत ज्यादा देखने परखने और सोचने के बाद जो प्रेम करते हैं मुझे लगता है कि उनके प्रेम में जो है उनकी चाह में उनकी चाह होती है चाह से बियॉन्ड चाहिए आपकी प्रेम आपका प्रेम प्रेम हो जाता है तो आपका भी सेम ही कहना है जैसे गोविंदा सर ने प्यार की परिभाषा दी तो आपने भी कुछ नहीं देखा खाली आपने देखा कि बस मैंने तो देखा कि सीधा साधा आदमी है लंबा जाएगा तो पकड़ ही लो लंबा जाएगा बहुत ठीक क्या बात है अच्छा है वो अच्छा है अच्छा सच निकलता जो है उसमें बुराई कितनी हो बुराई फिर भी खराब नहीं लगती हो सच होता है वो अच्छा लगता है